हे गाइस, कैसे हैं आप? तो आज हम बना रहे हैं विंटर स्पेशल, बहुत ही अच्छा अदरक और हरी मिर्ची का अचार, इंस्टेंट अचार है गाइस, जो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है। तो जहाँ मैंने ले लिया अदरक, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो कर के छील लूँगी, और छीलने के बाद भी एक बार वॉश कर लेंगे, और बारीक बारीक कोई भी कटर से या फिर हाथ से चाकू से ही कटिंग कर लेंगे गाइस। इस अदरक में, कच्चे अदरक में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन आयरन, जिंक और कैल्शियम, कई तत्व पाए जाते हैं जो हमें अपनी डाइट में, रूटीन में इसे ज़रूर शामिल करना चाहिए, अदरक को, कच्चे अदरक को खास करके गाइस। तो देखिए, जहाँ मैंने डाल दिया आधा नमक, चम्मच नमक, नमक 2 टेस्ट डालिए गाइस, आपको जितना पसंद है। जहाँ मैंने 2 चम्मच सिरका ले लिया, सफ़ेद सिरका, विनेगर जिसे कहते हैं वो ले लिया। आप 2 चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं अगर आपके घर में सिरका नहीं पसंद करते हैं। तो देखिए, अच्छे तरह से मिलाऊंगी, जैसे ही मिलाऊंगी अदरक का कलर चेंज हो जाएगा। और देखिए गाइस, ये अदरक, कच्चा अदरक खाने से ना गाइस, सर्दी खांसी जैसे वायरल से इन्फेक्शन हो जाती है ना, वो भी बहुत जल्दी हमारी दूर हो जाती है और हम इससे बच सकते हैं। हाँ, इसलिए हमें कच्चे अदरक का अचार जरूर डालना चाहिए, अपनी डाइट में, रूटीन में शामिल करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा होता है, यम्मी भी बनता है और खाना भी बहुत सारा, एक फुलके की जगह हम 2 फुलके खाते हैं। इसी तरीके से मैं हरी मिर्ची की भी ले लूँगी। हरी मिर्ची की मैं बैक साइड से डंडियाँ तोड़ूँगी खाली गाइस, इसको कोई कट नहीं लगाएंगे बीच में से, सेंटर में से हम कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आपको ज़्यादा ही लगता है कि बड़ी पूरी मिर्ची कोई खा नहीं सकता, तो आप इसके 2-2 पीसेस भी कर सकते हैं बीच में से। तो जहाँ ले लिए मैंने नमक 1/2 चम्मच, और साथ में ले लिया है सिरके के 2 चम्मच, और चाहे सिरके की जगह आप नींबू का रस इसमें भी डाल सकते हैं। दोनों को आपस में मिलाएंगे गाइस, ये इंस्टेंट तैयार हो जाता है। आपने सुबह डाला तो शाम को खाइए, शाम को डाला तो सुबह खाइए। देखिए, जो जो बैक साइड है ना, इसी से रस सारा जाएगा, हमें कट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही यम्मी टेस्टी बनता है गाइस। देखिए, मेरा अदरक और हरी मिर्ची का 1 मिनट में अचार तैयार हो गया है। कोई हमें को मेहनत नहीं करनी पड़ी, सिर्फ जो कटिंग करा हमने अदरक को मिर्ची में, तो हमें वैसे ही नहीं कोई मेहनत करनी पड़ी गाइस। देखिए, सिर्फ डंडी उतारी, धोई, वॉश करी और डाल दिया गाइस। इसको मैं बस शीशी में भर के रख दूँगी, दोनों को मिक्स कर दूँगी आपस में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़। और देखिए गाइस, लाइक भी कर दीजिए प्लीज़। लाइक तो आप करते ही नहीं हो, वीडियो पूरी वॉच कर लेते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। हरी मिर्च आपको मालूम है गाइस, आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही अच्छी होती है, फुल ऑफ विटामिन सी होती है हरी मिर्ची, तो इसलिए हमें इसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए।